हेलो एशियन फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं ग्रैंड चैप्टर 2, और मैंने सुना है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ग्रैंडपा भी आते हैं गाइस। तो गाइस यार आज हम लोग बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक ग्रैंडपा। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो डिफिकल्टी को मैंने इजी पे सेट कर लिया और ग्रैंड ग्रैंडपा को सिर्फ ग्रैंडपा पे, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडपा को इलेक्ट्रिकल ग्रैंडपा बनाने वाले हैं। तो गाइस जब तक ना गेम प्ले शुरू हो रही है, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और हां गाइस टल्ली लोडन दबाना बिल्कुल मत भूलना रे बाबा। तो ये लो भाई साहब, हम लोग आ चुके हैं ग्रैनी के हाउस में, और आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल ग्रैंडपा हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो हाँ भाई, ये कोई मोड वर्जन नहीं है, हमें इलेक्ट्रिकल ग्रैंडपा खुद ही बनाना पड़ेगा। तो चलो यार, इसके लिए मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा जिसे यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिकल ग्रैंडपा बनाएंगे। तो चलो यार वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अभी ना बड़ा मजा आएगा रे बाबा। तो चलो यार एक बार हम लोग किचन को भी फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को हैंड व्हील मिल चुकी है, बट गाइस मुझे ना इलेक्ट्रिकल ग्रैंडपा बनाने के लिए पहला रेंज और दूसरा स्टन गन चाहिए होगा, जिसको गाइस यहीं कहीं पे पड़ा होना चाहिए। तो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं, और ये गाइस खाली पड़ा है। यार मेरे को तो काफी डर भी लग रहा है, बस अभी यहाँ पे ग्रैंडपा ना जाए। तो अभी ना स्टन गन और रेंज हम लोग इधर पे फाइंड करेंगे, और आज ना गाइस हम लोग ग्रैंडपा को इलेक्ट्रिकल ग्रैंडपा बनाने के साथ साथ यहाँ से हम लोग एस्केप भी करने वाले हैं। तो चलो यार जल्दी से ये सारे ड्रॉअर को चेक कर लेते हैं, एंड यहाँ से मेरे को सेफ की भी मिल चुकी है। तो अभी इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर लेंगे, और अभी ना मैंने यहाँ पे चेक करा ही नहीं गाइस, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पड़ा होता है। और ये लो भाई, फाइनली मेरे को स्टन गन मिल चुकी है। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे रेंज चाहिए होगा, जिसके बाद हम लोग ग्रैंडपा को इलेक्ट्रिकल ग्रैंडपा बना सकते हैं। और यार यहाँ पे काफी शोर भी हो गया, लेकिन यार अभी डरने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे ग्रैनी है ही नहीं इस घर पे। तो अभी ना मैं सीक्रेट लोकेशन को भी ओपन कर ही लेता हूँ, जो कि मुझे आगे चलकर काफी काम आ सकती है। और हाँ, कभी कभी ना रेंज यहाँ पे भी पड़ी होती है, बट यहाँ पर भी नहीं है गाइस। और अभी इससे पहले कि ग्रैंडपा भाई यहाँ पे आ जाए, जल्दी जल्दी हम लोग सारे लोकेशन को चेक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे मेरे को भाई स्पार्क प्लग मिल गया, जो कि हमारे कोई काम नहीं आने, और इसी को तो ढूंढ रहा था यार मैं कब से। तो अभी फाइनली मैं ग्रैंडपा को इलेक्ट्रिक ग्रैंडपा बना सकते हैं गाइस। यार मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ भाई। तो थोड़ी सी यहाँ पे शोर कर लेते हैं, ताकि वो टकला बुड्ढा यहाँ पे आ जाए। तो जब तक ना ये टकला यहाँ पे आ गया, तब तक हम लोग इस वाले रेंज से इस वाले सीवर को भी खोल लेंगे, और अभी ना हमें डरने की जरूरत ही नहीं है गाइस। तो अभी सब लोग कमेंट में टकलू ग्रैंडपा कमेंट कर दो, ताकि उस बुड्ढा को मालूम पड़ जाए हमारी डीएचएन फैमिली उससे बिल्कुल नहीं डरती। तो सब लोग कमेंट करो गाइस टकलू ग्रैंडपा। किसने बोला? ये देख लो भाई, बुड्ढा को मालूम ही नहीं कि मैंने इसको टकलू बोला। अभी ना गाइस हम लोग को बस इसका सोने का वेट करना है, और इसको सुलाने का टेक्निक यही है गाइस, बस इसका पीछा करना है गाइस। और फिर तो यार जैसे ही ग्रैंडपा सोएंगे, हम लोग उनको बना देंगे इलेक्ट्रिकल ग्रैंडपा। यहाँ पे तो ग्रैंडपा दिखाई नहीं दे, इसका मतलब ग्रैंडपा सोने चले गए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो चलो चलो एकदम आराम से गाइस, और अभी फाइनली ग्रैंडपा सो ही गए। तो जल्दी से भी हम लोग सिक्योरिटी की को निकाल लेते हैं, एंड मुझे इनको इलेक्ट्रिकल ग्रैंडपा बनाने के लिए स्टन गन चाहिए होगा, जो कि भाई साहब इधर पे पड़ा है। और अभी हमें बस सोते हुए ग्रैंडपा को मारना है भाई, अभी बस हमें इसको सोते हुए मारना है। अरे बाप रे बाप, घंगरू फूट गए। अभी चलो यार एमो उठाओ। तो चलो अभी हम लोग जाएंगे बेबी स्पाइडर के पास, और इसको भी मारेंगे गाइस। अरे भाई जब यहां पे कैसे आ गया? चल निकल निकल, बड़ाया मेरे से पूछने। तो जल्दी से स्टन गन को रिलोड कर लेते हैं, और अभी यहाँ पे बहुत बड़ा जादू होने वाला है। तो देखना यार जादू, देखना जादू। और देखो गाइस यहाँ पे दो दो ग्रैंडपा हो चुके हैं। तो अभी हमें क्या करना, बस इसको मारते रहना, एंड अभी वापस से इसके पिच्छू में करंट लगा देते हैं। एंड ये स्टैचू वाले ग्रैंडपा को हमें तब तक मारना जब तक ये गायब ना हो जाए। तो चलो यार तब तक मैं ट्राई करता हूँ, शायद ये 20 या 30 सेकंड में यहाँ से गायब हो जाएगा। और यार तब तक हमें ऐसे ही शूट करता ही रहना पड़ेगा भाई। तो हमें इसको अभी शॉट देना है, एंड तब तक देना पड़ेगा जब कि यहाँ से गायब ना हो जाए। और इसको इतना टॉर्चर करो कि इलेक्ट्रिक ग्रैंडपा बन जाए भाई। ओ भाई, ये तो सच में गायब हो गया, और ऊपर देखो भाई धुआं धुआं ही उठ रहा है यहाँ पे। तो अभी ना इससे पहले कि हम लोग इलेक्ट्रिकल ग्रैंडपा से मिलने जाए, उससे पहले एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, हो सकता है यहाँ पे कुछ काम का हो। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे क्रोबर पड़ा है, एंड अभी ये क्रोबर लेके सीधा हम लोग ऊपर की ओर चलते गाइस। और अभी ना हमारा इलेक्ट्रिकल ग्रैंडपा इसी के अंदर छिपा हुआ है। इलेक्ट्रिकल ग्रैंडपा अबे यार, मेरे को इससे बच के रहना पड़ेगा, कहीं से टच होते हुए मेरे को इलेक्ट्रिक न लग जाए। मेरे को करीब नहीं आना ग्रैंडपा, मेरे को सब पता है। आप इस गरीब को करीब बुलाकर करंट लगाना चाहते हो, मेरे को नहीं आना पास। और ये लो भाई, मेरे को यहाँ से पैडलॉक की भी मिल चुकी है। मेरे को तो अबे यार, ये तो करंट लगा के मेरे पीछे ही पड़ गया। अरे देसी बेटा किधर गया? और इससे पहले कि वो रूम में जाए, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। मेरे को लगता है देसी बेटा इसी के अंदर छिपा हुआ है। अरे भाई भागो 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 भागो।
ओ भाई देसी बिटो वहीं पर जा, मैं तेरे को भी इलेक्ट्रिक देसी बिटवा बनाएगा। अरे भाई ये बुढ़ा मानता क्यों नहीं है, मेरे को इलेक्ट्रिक देसी बिटवा नहीं बनना है भाई। तो जल्दी से भी पैडलॉक की को उठाते हैं एंड अभी देखते हैं करीब से इलेक्ट्रिक ग्रैंडपा दिखता कैसा है। ओ भाई ये तो यहीं पे कैंपिंग कर रहा है। हम क्या पीने हैं, पीने हैं हम क्या पीने हैं, मैं तो चला देसी दारू पीने। ये देख लो बेवड़ा सारा टाइम पीने का ही सोचता रहता है। तो जल्दी से हम लोग पैडलॉक की को यहाँ से नीचे ड्रॉप कर लेते हैं एंड यहाँ वाला गेट को भी ओपन कर ही लेते हैं गाइस, जो कि हमें बाद में काफी काम आने वाली है। एंड मेरे को ना यहाँ से स्केप करने के लिए क्रोवर भी चाहिए होगा, जिसको भाई मैंने लास्ट टाइम यहाँ पे ड्रॉप करा था। तो चलो यार चलो 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 चलो। अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना। मुझे तो लगता है इलेक्ट्रिक ग्रैंडपा भी नीचे की साइड में मुझे ही ढूंढ रहा है, अभी बस यार ये मुझे देख नहीं। इलेक्ट्रिक ग्रैंडपा से बचना इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। ओके 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 बच गया गाइस, मुझे लगता है देसी बेटा अभी ऊपर में ही है। ओके तो ये काफी अच्छी बात है गाइस, ग्रैंडपा को लग रहा है मैं ऊपर की साइड में हूँ। तो अभी ना इससे पहले ना ग्रैंडपा भी वापस से आ जाए, जल्दी से अभी हम लोग नीचे की साइड चलते हैं एंड अभी हम लोग इस वाले बॉक्स को भी चेक करेंगे गाइस, क्योंकि इस वाले बॉक्स में भी कुछ ना कुछ काम का होता है। और ये लो भाई मेरे को यहाँ से वेपन की मिल चुकी है और अभी तो ग्रैंडपा की खैर नहीं। एहे, रहा नहीं जाता भाई, आज के पूछ वहीं पर जा। ओ भाई मुझे लगता है ग्रैंडपा को मालूम पड़ी कि मैं नीचे की साइड में हूँ, तो यार जल्दी से अभी वेपन को बाहर निकालो। All right, guys, तो अभी आ जाओ ना ग्रैंडपा, और अभी हम लोग ग्रैंडपा को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। तो मैं देसी बेटा करंट लगा के रहूंगा। यार ये तो पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका है, उल्टा मेरे को ही मारने का सोच रहा है। यार भागो 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 भागो, भैंस के बच्चे ये मेरे को डरा चमन जी के साथ, तेरे को आज मैं करंट लगा के छोड़ेगा देसी बटवा। अबे इसकी पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है भाई, उल्टा मेरे को ही करंट लगाने का पीछे पड़ा हुआ है। देसी बटवा पिछू में एक बार करंट लगा पर तेरे को बहुत मजा आएगा। और यार मेरे को नहीं कोई मजा वजह, चल भाग यहां से। तो फिलहाल मैं शॉटगन को यहीं पे ड्रॉप कर लेता हूं। तो मुझे ना भी यहां से स्केप करने के लिए कटिंग प्लायर चाहिए होगा, जो कि फिलहाल गाइस यहीं कहीं पे पड़ा होगा, यहां पे तो नहीं मिला, आई थिंक यहाँ पे जरूर होगा। तो जल्दी से इसको हटा लेते हैं एंड ये लो गाइस मेरे को कटिंग प्लायर मिल गया। तो अब इससे पहले ग्रैंडपा यहाँ पे आ जाए फटाफट से इस वाले पेंटिंग को हटा और इसको कट कर लो गाइस। और अब टाइम आ गया कि सिक्योरिटी रूम का डोर ओपन करने का, और उसको ओपन करने के लिए चाबी चाहिए होता गाइस, बट मुझे नहीं पता चाबी कहाँ पे पड़ा है। तो आज हम लोग उसको विदाउट चाबी ओपन करने वाले हैं। डर लग रहा है करने में, क्या पता मुझे करंट ना लग जाए, इससे बड़ा पागल तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। पागल किसको बोला बे, मैं तो 100 बार पागल बोलूंगा ग्रैंडपा, पागल पागल पागल। तेरे को अब भी पता था। और यार ये ग्रैंडपा तो बहुत तेज तेज भाग रहा, तो कोई नहीं गाइस अभी हम लोग इसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे एंड जल्दी से अभी शॉटगन को उठा लेते हैं। और भाई अभी वो ग्रैंडपा तो यहाँ पे आता ही होगा, तो फिलहाल हमारा प्लान है गाइस कि हम लोग उसको कुछ भी नहीं करने वाले, वो यहाँ पे आके जैसे ही हमारे लिए दरवाजा खोलेगा, और वो देखो भाई वो तो सच में आ गया। भैंस के पीछे यहाँ पे तो देसे बिटवा है ही नहीं, बस एक बार देसे बिटवा मेरे हाथ में आ जाए मैं उसको सीधा पिच्छू में करंट लगा। एक तो इनको मैंने इलेक्ट्रिक ग्रैंडपा बनाया, उल्टा मेरे को करंट लगाने का सोच रहा है, क्योंकि तो मेरा दुश्मन है। हाँ फिर निकल लो ग्रैंडपा। अरे बाप रे बाप, हड टूट नाक फूट, बढ़ाया था मेरे से दुश्मनी करने, अभी तो मैंने ग्रैंडपा की पाद निकाल दी। तो फिलहाल लगे मुझे यहाँ से स्किप करने के लिए कुछ और भी आइटम चाहिए होगा, जो कि गाइस इस पे भी पड़ा हो सकता है। तो अब इस बॉक्स को खोलने के लिए मेरे को कटिंग प्लायर चाहिए होगा, जो कि गाइस फिलहाल इधर पे पड़ा है। तो चलो यार अभी जल्दी से हम लोग वापस से ऊपर की ओर चलते हैं। तो गाइस जब तक ना मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, तब तक आप लोग गेस करके बताओ इसके अंदर आखिर क्या होगा। आई थिंक जितना कि मुझे मालूम है इसके अंदर डोर हैंडल होना चाहिए। तो चलो यार फिलहाल मेरे को डोर हैंडल भी मिल चुकी है। और भाई अभी मेन बात कि मेरे को पता नहीं कि वो इलेक्ट्रिक ग्रैंडपा भी कहां पर होंगे, मुझे तो अभी नीचे जाने से डर भी लग रहा। ओके गाइस तो फिलहाल यहां पे कोई भी नहीं है, और अभी इससे पहले इलेक्ट्रिक ग्रैंडपा यहां पे आ जाए फटाफट से मैं तो यहां से निकल रहा हूं भाई। तो गाइस हम लोग यहां से एस्केप भी करेंगे, वो भी डोर एस्केप भाई। तो जल्दी से भी डोर हैंडल को यहां पे लगाओ। और यार मेरे को यहां पे अभी कितना कुछ करना बाकी है, मैं तो गया भाई, मैं तो गया आज। और अभी इससे पहले ना यहां पे ग्रैंडपा आ जाए, मेरे को ये सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा गाइस। तो चलो यार जल्दी से चलो पैडलॉक की से पैडलॉक को हटाते हैं। और ये लो भाई ये हट गया। और अभी यहाँ से स्केप करने के लिए मेरे को रैलिंग को भी हटाना पड़ेगा, जो कि गाइस हैंड व्हील से हटने वाला है। तो जल्दी से हैंड व्हील को उठा और अभी यहाँ से निकलते हैं। और अभी पता नहीं यार ये इलेक्ट्रिक ग्रैंडपा कहाँ पर छिपे हुए हैं, अभी तो मेरे को डर इतना कि ये मेरे को सरप्राइज ना दे दे। तो हमें यहाँ से स्केप करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्रोवर चाहिए होगा, तो जल्दी से क्रोवर को उठा और अभी यहाँ से निकलो गाइस। बस अभी यार यहाँ पे मेरे को इलेक्ट्रिक ग्रैंडपा सरप्राइज ना मिल जाए। ओके तो फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रिक ग्रैंडपा नहीं है भाई, इससे पहले कि वो यहाँ पे जाए। निकलो यार निकलो निकलो निकलो। और अभी फाइनली फाइनली हम लोगों ने इसको फर्स्ट डे में ही कंप्लीट कर लिया। तो बाय बाय इलेक्ट्रिक ग्रैंडपा। मैं आज के बीच में तो इलेक्ट्रिक ग्रैंडपा से नॉर्मल ग्रैंडपा बन गया, डेस्क में तो मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना ना ना। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया ना।